आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन्स। आईयूपीएसी करने से पहले इनका जानना बहुत जरूरी है। तो आइए, टाइप्स ऑफ कार्बन से पहले ये स्ट्रक्चर है, दूसरा है, तीसरा है, हमारे पास चार स्ट्रक्चर हैं डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कार्बन अगर हम लोग लेते हैं तो इस कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, डेट्स वाई इट इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन होगा एंड दिस विल ऑल्सो बी प्राइमरी, क्योंकि इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस कार्बन से केवल एक कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। इस कार्बन से एक राइट में एक लेफ्ट में दो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एंड दिस विल ऑल्सो बी प्राइमरी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर इससे एक लगा हुआ है तो ये प्राइमरी, इस कार्बन से भी एक लगा हुआ है तो ये भी प्राइमरी कार्बन होगा, ये वाला भी प्राइमरी होगा। लेकिन इस कार्बन के बारे में क्या कहेंगे, ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली तीन कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसका टाइप होगा डेट विल बी टर्शियरी। आगे चलते हैं, फोर्थ स्ट्रक्चर लेते हैं। फोर्थ में देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये प्राइमरी है क्योंकि ये कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है इस वाले से, तो ये प्राइमरी होगा। इसको देखिए, ये भी एक से लगा हुआ है तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। इसको देखिए, यहाँ पर ये कार्बन 1, 2, 3 तीन कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये टाइप कौन सा हुआ, टर्शियरी, और ये कौन सा हुआ, क्वार्टनरी। तो बच्चों हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर चार तरह के कार्बन आपको मिल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिया हुआ है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन का टाइप होगा वो हमेशा कार्बन के टाइप पर ही डिपेंड करेगा। जैसे यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये प्राइमरी हाइड्रोजन टाइप कहलाएगी, दिस विल ऑल्सो प्राइमरी। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे, ये टर्शियरी हाइड्रोजन होगा और क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन केवल तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और ये जो टाइप हाइड्रोजन की होती है डिपेंड करती है कि वो कौन से कार्बन से बॉन्डेड है। अगर प्राइमरी से बॉन्डेड है तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी पे बॉन्डेड है तो सेकेंडरी, और टर्शियरी पे है तो टर्शियरी हाइड्रोजन कहलाएगा। इस पर क्लियर आपको? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूँ इसके बाद। बच्चों अब हमारे जाना जरूरी है ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? अब जैसे मैं आपको बोलता हूं, कहीं पर लिखा हुआ है सेकेंडरी इट्स आइसो प्रोपाइल बेंजीन। अब हमको ये आईयूपीएसी नहीं मिला है, आइसो प्रोपाइल बेंजीन का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ठीक है, बेंजीन तो सबको पता है, लेकिन बेंजीन पर लगा हुआ आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो जब तक आपको इसका आइडिया नहीं होगा तो आप ये नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? आइए तो चलो शुरू करते हैं हम। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग देखेंगे, पहला लेते हैं टाइप में एल्काइल ग्रुप।
अब हमको पता करना है कि एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है। तो बच्चों ध्यान रखना, सिंपल सा कंसेप्ट है, एल्कीन कोई भी लीजिए, उससे अगर आप एच माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा डेट विल बी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप चेंज क्या है, देखिए वाई एल इन प्लेस ऑफ ई। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एल्केन लेंगे, एल्केन से एच माइनस करेंगे, जब एच माइनस हो जाएगा तो जो बचेगा डेट विल बी डेट पार्ट विल बी नोन एज एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे ई से एच हटने पर वाई एल अटैच हो गया है। एग्जाम्पल सी एच फोर, नाम आप जानते हैं, मिथेन। अब जो आप मिथेन लेके चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट सी एच थ्री। ये देखिए ये है आपका, और यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है, इसको आप यहाँ दिखा के यहाँ भी दिखा सकते हैं, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, बट इस केस में कार्बन जो है ट्राईवेलेंट है, एक वैलेंसी फ्री हो गया है। अब ये कहीं पर भी अटैच हो सकता है क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूट बन गया है। दिस इज नोन एज मिथाइल, और नाम देखिए क्या हो गया है, मिथाइल। और ये मिथाइल सब्स्टिट्यूट, मिथाइल ग्रुप कहलाता है, सब्स्टिट्यूट भी कहलाता है। ये देखिए ई इज रिप्लेस बाय वाई एल, दिस इज मिथाइल। क्लियर, आगे चलते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं इथेन, ये आप जानते हैं। अब अगर आप इथेन के साथ जाएंगे और इससे एक एच माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए सी एस थ्री। मान लीजिए मैं ये वहां से निकालता हूं तो सी एस थ्री सी एस टू, और ये फ्री वैलेंसी हो गई है, नाम क्या होगा, दिस विल बी नोन एज दिस टाइम इथाइल ग्रुप। क्लियर है, ये देखिए यहां से ई रिप्लेस हुआ क्योंकि आप मिथेन से इथेन से एक एच माइनस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट और ग्रुप नाम होगा इथाइल। और ले लेते हैं, देखिए ये आपने लिया प्रोपेन, तो प्रोपेन में यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपका प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, और क्या है आपका, ये फिर से प्राइमरी कार्बन आ गया। तो यहां पे जब आप माइनस एच करेंगे तो ये उतना सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा इसको साइड में लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए हमने इथाइल लिया, इथाइल से हम लोग एच माइनस कर रहे हैं। ये देखिए जैसे ही हम लोग यहां से एच माइनस करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन से कार्बन से कर रहे हैं। मान लीजिए आप प्राइमरी कार्बन से करते हैं, तो अगर प्राइमरी दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है, आप कहीं से भी एक एच माइनस कर सकते हैं। तो एक एच माइनस किया, मैं प्राइमरी से करता हूं तो देखिए इस साइड से किया तो क्या बनेगा, सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री, दिस विल बी सी एस टू दिस टाइम, नाम क्या होगा, प्रोपाइल। अब इसका नाम प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल। क्लियर है, इधर आते हैं। अब अगर आप जाते हैं फ्रॉम, ये प्राइमरी से गए, अब जा रहे हैं हम फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, तो जब हम लोग सेकेंडरी कार्बन से एच माइनस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, सी एस थ्री, और थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं इस बार। ये देखिए यहाँ पे एक एच कम हो गया है, ये वैलेंसी फ्री हो गया है, और ये जो ग्रुप बना है ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। तो ये बहुत एग्जाम में आता है, बच्चे परेशान रहते हैं कि कैसे होगा आइसोप्रोपाइल। क्लियर कर देता हूं, ये प्राइमरी कार्बन और ये आपका सेकेंडरी कार्बन। तो हमने शुरू किया एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट टाइप के हम लोग एल्काइल सब्स्टिट्यूट यहाँ पर देख रहे हैं कैसे बनता है, कि कोई भी एल्केन लीजिए उससे एच माइनस कीजिए, जो आपको मिलेगा वो एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। मिथेन लिया, मिथेन से एक एच माइनस किया, मिथेन कार्बन, मिथेन में कार्बन की चार वैलेंसी थी लेकिन मिथाइल में कार्बन की तीन वैलेंसी है। तो जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उसमें हमेशा एक वैलेंसी फ्री रहेगी, जब भी कोई ग्रुप बनेगा सब्स्टिट्यूट बनेगा तो कंडीशन ये रहती है कि उसके अंदर एक वैलेंसी फ्री रहना जरूरी है कार्बन की, तभी बन सकता है वो सब्स्टिट्यूट और ग्रुप। तो ये हमने लिया इथेन, इथेन में हम देख रहे हैं कि एक ही टाइप के कार्बन है, प्राइमरी प्राइमरी, यहाँ से आप कहीं से भी एच माइनस कर सकते हैं, और जो आपको मिलेगा डेट विल बी इथाइल ग्रुप।
अब हमने लिया प्रोपेन। अब प्रोपेन को अगर देखें तो ये नॉर्मल नहीं है। प्रोपेन के अंदर दो तरह के कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका प्राइमरी कार्बन, एक है आपका सेकेंडरी कार्बन। अगर आप प्राइमरी कार्बन से H निकालते हैं तो जो बनेगा वो प्रोपाइल होगा ग्रुप, और अगर आप सेकेंडरी कार्बन से H निकालते हैं तो जो ये बनेगा ये कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसो मतलब होता है सेम, इक्वल। देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन, इस कार्बन को देखिए जो आपका यहाँ पे, इस कार्बन के इधर ही मिथाइल है, इधर ही मिथाइल है, तो ये आइसोप्रोपाइल यानी सेकेंडरी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जो होगा वो आइसो वर्ड वहां पे लगता है। आइसो ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी कार्बन जहां पे होता है वो आइसो वर्ड लगता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम लोग लेते हैं, ब्यूटेन, इट्स अ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में देखिए तो यहां पे भी कार्बन आपको दो तरह के दिखाई देंगे, प्राइमरी, प्राइमरी ये कार्बन दो से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी होगा, दिस विल ऑल्सो बी सेकेंडरी क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में एक कार्बन है। अब यहाँ पे आप H माइनस करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर आप H माइनस करने के लिए जा रहे हैं, माइनस H करते हैं, सब्स्टिट्यूट बनाते हैं, देखिए क्या होगा। प्राइमरी से आप निकालिए तो निकालने में बचेगा क्या, CH3, CH2, CH2 और दिस विल ऑल्सो बी CH2। अब ये कहलाएगा आपका ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल ग्रुप है जी आपका, क्लियर, क्योंकि प्राइमरी से निकाला है। आइस इसको नॉर्मल ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, तो ब्यूटाइल ग्रुप है। अब अगर आप सेकेंडरी कार्बन से H निकालते हैं तो क्या होगा, तो सेकेंडरी से अगर निकालते हैं तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से ये देखिए, एक H हमने यहाँ से कम किया है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर बना, जो ग्रुप बना, उसका नाम क्या होगा, तो उसको ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे, इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में बहुत आता है, बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये सेक क्या है। बच्चों सेक का मतलब है सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो देखिए सेकेंडरी आप जानते हैं, दिस इज द सेकेंडरी, ये देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है, यहां से ये अटैच होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओ क्लियर है आपको ये। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये लीजिए, अब ये हमने क्या लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका 2-methylpropane है। खैर देखिए यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं, IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये प्राइमरी कार्बन है सर, ये भी प्राइमरी कार्बन है, बट दिस इज द टर्शियरी कार्बन। अगर आप यहाँ से H माइनस करेंगे तो कहाँ कहाँ से हो सकता है, देखिए कहाँ कहाँ से होगा, टर्शियरी से होगा और प्राइमरी से होगा। मैं टर्शियरी से कर रहा हूँ सर, टर्शियरी से किया, ये देखिए माइनस H किया, जब माइनस H करेंगे फ्रॉम टर्शियरी तो जो बचेगा, जो बनेगा वो कैसा होगा, देखिए CH3 यहाँ पे H निकला ये वाला, तो ये साइट आपकी खाली हो जाएगी, ये देखिए, और अब इसका नाम कहलाएगा कार्बन टाइप। ये कार्बन का नेचर कैसा है, कार्बन ये वाला टर्शियरी है, तो इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको ऐसे लिखते हैं, आपने कहीं मिलेगा आपको ये जरूर मिलेगा, IUPAC में आता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसका नाम, टर्शियरी ब्यूटाइल कहलाएगा ये। टर्शियरी आप जानते हैं, दिस इज द, ऐसे दिखाते हैं प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, आइसोपेंटाइल लेते हैं, तो आइसोपेंटाइल लेने से इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे आपको जरूरत पड़ेगी। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर से एक एल्केन लेते हैं, और इस बार एल्केन होगा आइसोपेंटेन। सर आइसोपेंटेन, आइए देखते हैं, ये ग्रुप कहलाता है आइसो, ये वाला आइसो है,
आपको पता है सेकेंडरी कार्बन है और इसको कुल मिला के यहाँ पे 5 कार्बन है, तो नाम क्या होगा? आइसोपेंटेन। अब यहाँ पे आप एच निकालते हैं, तो एच आपने निकाला, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 1H, तो हम लोग यहां से निकालते हैं फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। तो जब प्राइमरी कार्बन से निकालेंगे बच्चों, तो जो ग्रुप बनेगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो देखिए ये यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है, यहां से हम टारगेट कर रहे हैं, तो ये देखिए CH2 और अब इसका नाम होगा आइसोपेंटाइल, इसका नाम होता है आइसोपेंटाइल। क्लियर है आपको ये आइसोपेंटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल? क्लियर जी? चलिए एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो ना हो आपको। अब इसके बाद हमको आगे चलना पड़ेगा, तो अगला लेते हैं हम लोग। अगला हमारा होगा, ये सब एल्काइल से, एल्काइल ग्रुप जो है एल्केन से बने हैं, ध्यान रखिएगा ये एल्केन से बने हैं। और कैसे बने हैं? H माइनस करके। अगला जो हमारा सब्स्टिट्यूंट है उसका नाम लेंगे हम लोग एल्किनिल। तो एल्किनिल कैसे बनाते हैं, देखिए ये हमने लिया एल्कीन, इससे सब्ट्रैक्ट किया एच, अब जो बचेगा जो बनेगा उसका नाम होगा एल्किनिल, एल्किनल ग्रुप। आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। ये हमारा इथीन, आप जानते हैं इथीन। अब इथीन से आप H माइनस करेंगे तो क्या होगा? कहां से सर? दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं, आइडेंटिकल है। तो ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर एक H कम हो गया है और ये वैलेंसी फ्री हो गई है, नाम क्या होगा? इथीन। आपको बताया था जैसे ही H माइनस करते हैं तो यहां से E को रिप्लेस कर देंगे YL से, ये देखिए येलो से दिखा रहे हैं, इथीनिल इसका नाम होगा। और बच्चों एक चीज और क्लियर कर दें आपको यहीं कहीं, इसका नाम विनाइल भी होता है, विनाइल ग्रुप बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग परेशान रहते हैं विनाइल क्या होता है सर, विनाइल क्या होता है? तो बच्चों इथीन से जब आप H माइनस करेंगे जो इथीनल ग्रुप होता है उसको विनाइल भी बोलते हैं। आगे चलते हैं सर, अगला देखिए, ये है आपका प्रोपीन। अब प्रोपीन से हम लोग क्या कर रहे हैं सर? माइनस एच कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर ये जो आप देख रहे हैं प्रोपीन है, ये प्रोपीन में ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई एल्कीन जिसमें एल्कीन में डबल बॉन्ड से अगला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये याद कर लीजिए, आपको उसका जरूरत पड़ने वाला है आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप ध्यान रखिए किसी भी एल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन से, तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर है डबली बॉन्डेड कार्बन से अगला sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है इसका नाम होता है एलाइलिक कार्बन, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं बच्चे उसको, याद रखिएगा एलाइलिक कार्बन। अब यहां पर आपको जो H माइनस करना है वो करना है प्राइमरी कार्बन से। जब आप यहां से H माइनस करेंगे तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, जरा देखिए CH2 यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो गई है क्योंकि एक H आपने माइनस किया है, उसके बाद ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम अगर बोले तो इसका नाम होगा बच्चों, नाम बताइए क्या होगा? एलाइल, एलाइल ग्रुप है ये, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एलाइल ग्रुप क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एलाइल ग्रुप ये होता है जब आप किसी प्रोपीन में एलाइलिक कार्बन से एच निकालेंगे तो जो ग्रुप बनेगा वो एलाइल होगा। तो क्लियर, आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग
क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, एराइल और फिनाइल। इसके बाद एराइल और फिनाइल, तो ध्यान रखिएगा जहां पे ए आर ये एराइल ग्रुप आता है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एराइल ग्रुप की, तो आप एरीन लीजिए या फिर आप बेंजीन लीजिए और उस बेंजीन से एच माइनस कीजिए। तो बेंजीन से जब आप या एरीन से आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा डेट विल बी फिनाइल ग्रुप। आइए एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, सब लोग जानते हैं। यहाँ पे ये देखिए बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है। जब आप यहाँ से H माइनस करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल इन नेचर, समान है सब ये, तो आप कहीं से भी माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे जहां से तो वहां पर तो वैलेंसी कम हो जाएगी। ये देखिए ये वैलेंसी फ्री है कार्बन की यहाँ पर, और यहीं से ही अटैच होगा, अब ये कहलाएगा ग्रुप, और ग्रुप का नाम क्या होगा? फिनाइल ग्रुप। क्लियर है? तो हम लोग अगला ग्रुप लेते हैं बच्चों। आगे जाने से पहले हम लोग लेंगे बेंजाइल, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है, एग्जाम में आता है बेंजाइल। तो बेंजाइल कैसे बनेगा? देखिए उसके लिए आपको लेना पड़ेगा मिथाइल बेंजीन। भाई बेंजीन पे मिथाइल लगा दिया, नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। और हम लोग यहाँ पर मिथाइल से यहीं से माइनस करेंगे एक एच। जब आप एक एच माइनस करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको जरा एज्यूम करिए कैसा होगा, बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा CH2 और ये वैलेंसी फ्री हो गई, क्योंकि एक एच माइनस हुआ है, और जैसे ही वैलेंसी फ्री होगी ये ग्रुप बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, और उसका नाम होता है बच्चों बेंजाइल। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ये बेंजाइलिक कार्बन है और एक ग्रुप का नाम बेंजाइल ग्रुप है। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर। इसके बाद लेंगे बेंजल। अब बेंजल क्या होता है सर? बच्चों कुछ नहीं होता है, इसी का एक्सटेंशन है। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, इस बार इससे आपने दो एच निकाल दिए हैं। हाँ, दो एच निकालेंगे अब लोग। अब जैसे ही आप दो एच निकालेंगे तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? ये देखिए यहाँ पे सी एच बचेगा और इसकी दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। ये दो, यहाँ पर दो वैलेंसी फ्री है और ये ग्रुप कहलाता है बच्चों बेंजल ग्रुप। क्लियर है? अगला लेते हैं हम लोग बेंजो ग्रुप। सेम, इस बार क्या करना है बच्चों, हमको यहां से ये मिथाइल बेंजीन जो है, आजकल हम टोलीन भी होता है, अब मिथाइल बेंजीन बोलिए इजी पड़ेगा। तो यहां पर इस बार हम तीन एच निकाल देंगे इसके यही सर मिथाइल से। जब आप तीन निकालेंगे तो इस कार्बन के पास तो एक भी एच नहीं बचा है और इसकी तीन वैलेंसी फ्री हो गई है, तो ये अब कहलाएगा बेंजो ग्रुप। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ ग्रुप और बचे हैं वो भी सीख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको? स्पष्ट क्लियर है? चलिए क्लियर है आपको? अगला लेते हैं बच्चों, अगला हमारा रहेगा बेंजाइल हो गया है, इसके बाद हम लोग लेते हैं टोलाइल। टोलिल बोलते हैं, टोलाइल जो आपको का मन करे टोलिल ग्रुप बोलते हैं। टोलिल ग्रुप कैसे आपको मिलेगा ये जानने के लिए आपको पहले मिथाइल बेंजीन अभी था हमारे पास फिर से लेते हैं। तो ये देखिए ये है मेरा मिथाइल बेंजीन। तो इस बार आपको करना क्या है कि इसकी ऑर्थो पोजिशन से पैरा पोजीशन से अगर आप एक एच माइनस कर देते हैं, तो मैं दोनों से करके दिखाता हूं आपको। ये आपकी ऑर्थो, आप जानते हैं कि ये पोजीशन कौन सी होती है, ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, ये कहलाती है मेटा और ये कहलाती है पैरा, सबको पता है। तो हम लोग ऑर्थो पोजीशन से जा रहे हैं वाया ऑर्थो, ऑर्थो। तो जब ऑर्थो से एच माइनस करेंगे माइनस एच, देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पे ऑर्थो से आपने एच निकाल दिया, H निकाल दिया तो ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ से फ्री हो गई है, फ्री टू अटैच, फ्री टू बाइंड, फ्री टू कंबाइन, ये वैलेंसी फ्री हो गई है। इसका नाम होगा बच्चों ऑर्थो टोलाइल ग्रुप, ऑर्थो टोलाइल
ग्रुप। अगर आप लोग पैरा पोजिशन से जाते हैं, पैरा पोजिशन से आप एच सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ग्रुप बनेगा वो कैसा होगा, आइए देखिए। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, पैरा नीचे वाला था, यहाँ से वैलेंसी फ्री हो गया है, नाम होगा पैरा टोलिल ग्रुप। क्लियर? पैराटोलिल ऑर्थोटोलिल यहां से कंबाइन होगा ये ग्रुप, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट बनने के लिए एक कार्बन की वैलेंसी का फ्री होना जरूरी है, क्योंकि वो ही कंबाइनिंग साइट होती है उसकी। इसके बाद हम लोग लेते हैं अगला, और वो लेंगे हम लोग एक्रिल। इसमें ही बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि सर ये एक्रिल ग्रुप क्या होता है, तो घबराइए नहीं, बहुत सिंपल है जी। और एक्रिल जानने से पहले हम लोग बात करते हैं विनाइल की, जो हम लोग ऊपर करके आए थे। हमने इथीन से एच निकाला था और ये ग्रुप पाया था, इसका नाम था विनाइल। पक्का सबको क्लियर है, ये विनाइल ग्रुप था। अब विनाइल में अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा जाता है, ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन हो, फंक्शनल ग्रुप चाहिए। ग्रुप कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखिए सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है, अब ये लग गया, तो इसका नाम क्या होगा? विनाइल एल्डिहाइड नहीं, अगर आप ये लिखते हैं तो ये सही नहीं है। इसका नाम होगा, अब ये विनाइल नहीं एक्राइल कहलाएगा सर। फिर सुनिए, अगर विनाइल में कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, लाइक सी एच ओ लगा दिया, तो उसका नाम अब ये विनाइल नहीं रहेगा, दिस टाइम दिस इज एक्रिल, और नाम हो जाएगा एक्रिल एल्डिहाइड। होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर है एग्जांपल और ले लेते हैं तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये ग्रुप कौन सा बताया था आपने? विनाइल, और यहाँ पे क्या लगा दिया? सीएन। तो सीएन फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन कैरी कर रहा है, तो इसका नाम विनाइल नाइट्राइल नहीं होगा, गलत है ये। इसका नाम क्या होगा? एक्राइल। अब ये ग्रुप एक्राइल कहलाएगा, तो एक्राइल लो नाइट्राइल या एक्राइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये आपने क्या पढ़ा? ये आपने पढ़ा डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो बच्चों, आईयूपीएससी करने से पहले इन कम से कम इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस सब्स्टिट्यूएंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, और स्ट्रक्चर है तो उसका नाम क्या होगा। जब आपको ये आ जाएगा तब आप आईयूपीएससी में कंफर्ट हो जाएंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ग्रेजुअली देखते जाइए, बनाते जाइए, याद करते जाइए, क्लियर होगा। और इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में शुरू करेंगे आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी से पहले बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में।